स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। और अभी 10 नहीं 11 बज रहे, 11। और मैं क्या कर रही हूँ, किचन में मेरा चढ़ा हुआ नमकीन चावल। और आज मैं गई थी बाबू को छोड़ के रिजल्ट लेने। आज गुनगुन का रिजल्ट आया है और मेरा बाबू भी आ गया। हाय बोलो बेटू। हाय, प्यार कर रहा मम्मी को। जरा हाय तो बोलो मेरे दोस्तों को। ये सारे मम्मी के दोस्त हैं। जब बड़े हो जाएगा ना तू तो तेरे से बात करेंगे। हाँ, तो क्या हुआ, सुबह सुबह मैं उठी, रिजल्ट था मेरी माता रानी का। और इसके पापा बोले मेरा तो काम आ गया है, मैं काम भी जाऊँगा। तैयार होने लग गए झटपट। अंशु चला गया सुबह ही, 8 बजे वो चला गया। 9 बजे, 9:30 बज रहा था, है ना, 9:30 बजे हम लोग तैयार हुए माँ बेटी और गए। दौड़े दौड़े आए, गए और आए। मीन्स कि ये वीडियो वीडियो बनाने का तो कोई टाइम ही नहीं था, कोई चांस ही नहीं था, क्योंकि उनको ड्यूटी जाना था 10:30 बजे इसके पापा को। मैंने बोला आप ही चले जाओ, उन्होंने मना कर दिया, कह रहा नहीं मेरे पास टाइम नहीं है। मैंने बोला ठीक है, बाबू सो रहा है, जब तक आप तैयार व्यार होंगे हम लोग आ जाएंगे। और वैसा ही हुआ, मैं गई स्कूल के अंदर घुसी, वैसे ही इनका फ़ोन आया, बाबू उठ गया। और वहाँ पर भीड़ नहीं था, सारे पेरेंट्स इसके बीच बीच का टाइम 8:30 से 10:30 का टाइम था, तो बीच का टाइम था 9:30 जो हम लोग गए थे, बहुत कम थे पेरेंट्स। फटाफट रिजल्ट लिया और आई दोनों माँ बेटी। और अब घर का काम करें, क्योंकि घर का बिल्कुल काम नहीं हुआ था, तो अब कर रहे हैं काम। ठू जब से उठ के इसके पापा चले गए, और फिर ये हमने माँ बेटी ने मटर छीला आके, ये देख रहे हो, ये दोनों छीला, उधर वाला मैंने छीला, तभी तो दो जगह पड़े हैं, दिख रहा है। हाँ, और ये गुनगुन बिस्तर सरियाई है अभी, और देखो कैसे सरियाई है, यहाँ ढंग से सिलवटे पड़ी हुई है। अब झाड़ू लगाने जा रही हूँ, मतलब ढंग से लगा, सिलवटे पड़ी हुई है पूरे बिस्तर में, ज्यादा बोले क्या नको। तो बड़ी हो गई है, तो मैं उससे भी बड़ी हो गई हूँ, इसलिए मैंने नमकीन चावल चढ़ाया है कि क्विकली बन जाएगा और हम फटाफट खा लेंगे। अंशु भी स्कूल से आने वाला आजकल। और आज हमने तैयारी की है मालपुए बनाने की। ये है गोले, मैं आपको दिखाती हूँ, गुड़ वाले मालपुए। तो इसको मैंने वो करके बैटर तैयार करके रेस्ट के लिए छोड़ दिया है। इसको बनाऊंगी, खाना वाना खा के तसल्ली से, मतलब इसको तब तक रेस्ट हो जाएगा। और अभी जो मैंने गुड़ गुड़ को पिघलाया ना, उसकी वजह से ये कढ़ाई वढ़ाई जूठा हो गया, नहीं तो कुछ सुबह से कुछ नहीं बना, तो किचन भी साफ था। तो अभी मैंने दूध गर्म किया, गुड़ को पिघलाया गैस पे, इस वजह से इतने सारे बर्तन भी हो गए। ये सारे फटाफट काम करते हैं और फिर बनाते हैं मालपुए मस्त। हमारे इधर ना बहुत अच्छा, हमारे इधर मालपुए नहीं बोलते, हमारे इधर सिर्फ पुआ बोलते हैं, और चीनी भी डाला जाता है, लेकिन हमारे पास गुड़ था तो हमने सोचा कि उन्हें गुड़ का चीनी भी लेके आई थी कि चीनी का बनाऊंगी, लेकिन अचानक से ध्यान आया कि गुड़ है हमारे पास, तो मैं गुड़ का मीठा मीठा बनाऊं। और ये हमारा सीटी दे दिया एक, ए दे दे दे, नहीं आ रहा, कितनी देर लगाएगा भाई, हमारा बाबू भी देख रहा है ना, बाबू गोदी में है मेरे, थोड़ी देर गुनगुन बाबू को और रख रहे, झाड़ू वाड़ू कर लूं मैं सही से, फिर हम खाते गर्मा गर्म नमकीन चावल। और जब तक भैया भी आ जाएगा, बैठो बैठो बैठो, ये देखो कैसे बैठ के बाबा की तरह देख रहे है ना बिटू। अब मैं जा रही हूँ झाड़ू लगाने, पूरा झाड़ झूड़ दूंगी। और दोस्तों अब आ रही है होली, आज से मेरे ख्याल से 10 ही दिन मान लो, क्योंकि 11वें दिन तो हम होली मनाएंगे 25 तारीख को शायद। तो हमारे इधर बनता है बहुत सारा आइटम पकवान होलिका दहन वाले दिन, मालपुआ, कचरी, बरा, ढुसका,
पकोड़े सकोड़े और बहुत सारी चीज़ें, गुजिया भी बनाते हैं, लेकिन मुझे गुजिया बनाना नहीं आता। मैंने अपनी माँ के घर भी नहीं बनाया, ससुराल में भी नहीं बनाया, तो इसलिए मुझे गुजिया नहीं आता बनाना। तो कोई दे देता है तो खा लेती हूँ, नहीं तो दुकान से ला के खाती हूँ, लेकिन मालपुआ आता बनाना। तो मैंने सोचा कि अब तो इतनी गर्मी हो रखी है कि ये सब चीज़ें ना खाने में अच्छा नहीं लगेगा। गुनगुन कितनी सीटी हो गई गैस का? सीटी लगानी थी, ज्यादा सीटी लगेगा तो फिर खराब हो जाएगा, नमकीन चावल बन जाएगा खिचड़ी, वो भी सूखी वाली। तो मालपुआ आता है मेरे को बनाना, मेरे को सारे आइटम आते हैं बनाने, गुजिया नहीं आता। तो मैंने सोचा है कि हमारे इसके पापा खाते नहीं है सॉरी, इसके पापा खाते नहीं है ये सारी चीजें, और बच्चे भी नहीं खाते। गुनगुन थोड़ा बहुत खाती है और मैं ही खाती हूँ। तो मैंने सोचा है अभी सर्दी है, अभी शाम शाम को और थोड़ा सुबह लगती है ना थोड़ा थोड़ा सा ठंड, तो ही अच्छा लगेगा। होली वाले दिन कोई मज़ा नहीं है यह सब खाने का, तो इसलिए हमने सोचा है कि क्यों ना हम कुछ कुछ आइटम, जैसे कि आज मैंने वो बनाया मालपुआ, कल पकोड़े बनाऊंगी, डोसा बनाऊंगी, जो जो खाने का मन होगा अभी शाम शाम को कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा बना लूंगी, ताकि होली के दिन ना बनाना पड़े ना खाना पड़े। मीन्स कि इतना ज़्यादा गर्मी रहेगा, और घर में अभी से ही पंखा वंखा सब चल गया, तो उस टाइम मन भी नहीं करेगा खाने का। तो इसलिए मैंने सोचा सारे पकवान ना शाम शाम को बना के खा लेंगे, होली वाले दिन का झंझट ही नहीं रहेगा। होली खेलो बस रंगों से और पानी से, पानी से नहीं, हमारे घर में पानी की कमी है, सिर्फ गुलाल से। अच्छा खेलो, सेफ होली खेलो। और इसी बात पे मेरा राजा बेटा घर इसी बात पर राजा बेटा घर आ गया, और टेंशन में था पूरे दिन, क्या आया रिजल्ट क्या हुआ, है ना, है था, है ना, आंसर सच बात है ना, पास होगी ना। हाँ कौन कौन गया था लेने? मैं ही जाऊंगी भाई, तेरे पापा लड़ने से फुर्सत मिलेगा मेरे से, तभी तो कुछ करेंगे अब ये पढ़ाई शुरू करने वाले। गुनगुन ये किसका है, रख भाई। चलिए दोस्तों पहले बात बाद में करूंगी, पहले फटाफट काम कर लेती हूँ, नहीं तो अभी बहुत देर हो जाएगा। ये देखिए आज मेरी गुनगुन पहली बार रोटी बना रही है, और हम लोग इतना चौंक गए हैं, इसीलिए हम इसको गडरी बोलते हैं ना, देख देख रहती है कि कैसे मम्मी बनाती है। आप देख सकते हो कि कितना गोल गोल रोटी बनाई है, और देखिए इतना सारा ये बना चुकी। मैंने आटा गूंद लिया था, मैंने बोला गुनगुन आज रोटी बना ले, बड़ा खुशी खुशी से बना रही है यार, इतनी अच्छी रोटियाँ घी लगा लगा के, है ना। देर कितने सयानी मन गाडर है ये गडरी, कि एक भी बात नहीं मानती मेरी। अच्छा है अच्छा है, जब मैं चला जाऊंगा तो तू क्या करेगा, ऐसी रोटियां बनाएगा? ये देखो, देख रहे हो? ओ बाप रे गंगा, अरे घी नहीं लगाया यार, लगा दे तेरे। घी मैं क्यों लगाऊं? अच्छा नहीं है मेरे लिए। हाँ सूखी रोटी, क्या मस्त रोटियां बना रही है यार। पता है ऐसी रोटी तो मैं भी नहीं बनाती, मेरे को रोटी बनाने में अच्छा नहीं लगता, तो मेरे को ज्यादा मन नहीं लगता रोटी बनाने में। आप देख सकते हो मेरी गुनगुन कितनी अच्छी रोटी बना रही है, ये रही सबूत, ये गुनगुन है, ये इसका हाथ है, चल रहा है। ओह माय गॉड, ये देखिए अब सारा खत्म हो गया, और ये पूरे परिवार का रोटियां हमारा, ये देख सकते हो 10 से 12 रोटियां है, 4 दिन 8 8 दिन 16 रोटियां, क्योंकि हम 4 जने हैं तो 4 जनों की रोटियां बना रही है। वेरी गुड वेरी गुड।